La 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 la, la 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 la, la 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 la. Elmo ke hai kai sawal, kya janenge hum aaj in Elmo's wonderful world. Hi, Elmo ki duniya mein aapka swagat hai. Oh, batao zara, Elmo aaj kya soch raha hai? Thoda intezaar karo. थोड़ा और इंतजार. चंदन, चंदन मुबारक हो. दोस्तों, एल्मो को चंदन बहुत पसंद है और वो इसके बारे में और जानना चाहता है. हे हे, चलो एल्मो की दोस्त स्मार्टी से पूछे और मिलकर उसे बुलाएं. ओ स्मार्टी, मैं आ गई. हाय एल्मो, चंदन मुबारक हो. चलो तुम्हारे चंदन होने का नाटक करें. हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर. झूठ मूठ का जन्मदिन मुबारक हो एल्मो. थैंक यू स्मार्टी, पर ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज एल्मो जानना चाहता है जन्मदिन के बारे में. तो कुछ भी नया सीखने के लिए हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं. जन्मदिन के बारे में ढूंढ रहे हैं और ये मिल गया. अपने जन्मदिन पर तुम उस दिन की खुशी मनाते हो जब तुम पैदा हुए थे. बच्चों के जन्मदिन होते हैं और बड़ों के भी जन्मदिन होते हैं. हर बार जब तुम अपना जन्मदिन मनाते हो तो तुम्हारी उम्र एक साल और बढ़ जाती है. ऐसी कई चीजें हैं जो तुम अपने जन्मदिन पर कर सकते हो, जैसे पार्टी करना या मजेदार खेल खेलना. और जिनसे तुम प्यार करते हो उनका जन्मदिन मनाने में तुम उनकी मदद कर सकते हो. कई सारे मजेदार तरीके हैं जन्मदिन मनाने के. पर स्मार्टी, एल्मो अपना झूठ मूठ का जन्मदिन कैसे मना सकता है? आसान है, बस तुम अपने झूठ मूठ के केक पर लगी झूठ मूठ की मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा दो. ठीक है, उससे पहले विश मांगना मत भूलना. तो क्या विश मांगी तुमने? कि एल्मो सारी मोमबत्तियाँ बुझा दे. शाबाश, तुमने झूठ मूठ वाली सारी मोमबत्तियाँ बुझा दी. अब मैं चलती हूँ. बाय बाय स्मार्टी, थैंक यू. और इसी बात से आया एल्मो को एक आइडिया. ओ, क्यों ना हम मिलकर एक खेल खेलें. चलो चलो. ये लड़की 3 साल की होने वाली है, तो इनमें से कौन से केक पर इसकी उम्र की सही मोमबत्तियाँ लगी हैं? चलो ये मोमबत्तियाँ गिने. 1, 2, 3, 4, 5. ये तो ज्यादा है. चलो फिर से कोशिश करें. अब कितनी मोमबत्तियाँ हैं? 1. पर इसमें तो कम मोमबत्तियाँ हैं. अच्छा, एल्मो फिर से कोशिश करेगा. चलो इन्हें गिनते हैं. 1, 2, 3. ये बहुत अच्छे. दोस्तों, एल्मो को लगता है कि जन्मदिन मनाने में दूसरों की मदद करना और उन्हें गिफ्ट देना अच्छी बात होती है. ओ, और इसी बात से एल्मो के दिमाग में सवाल आया है कि क्या मिस्टर नूडल को पता है कि बर्थडे गिफ्ट को कैसे पैक करते हैं? चलो उन्हीं से पूछते हैं. सुनिए मिस्टर नूडल. ये तो मिस्टर नूडल के भाई मिस्टर नूडल है. मिस्टर नूडल, क्या आपको गिफ्ट पैक करना आता है? आपको आता है? हमें भी सिखाइए ना मिस्टर नूडल. क्या मिस्टर नूडल ने अपने दोस्त के लिए यह जन्मदिन का गिफ्ट बनाया है? आप बहुत ही अच्छे हो मिस्टर नूडल, अब आप इसे रैप करना शुरू कर सकते हो. नहीं मिस्टर नूडल, गाने वाला रैप नहीं, पेपर से लपेटने वाला रैप. मिस्टर नूडल गिफ्ट को पैक कर रहे हैं. ओहो, खुद मत पैक करो, गिफ्ट को पैक करो. इतनी टेप काफी है मिस्टर नूडल. टेप लगाना बंद भी करो. एल्मो को विश्वास है आपके दोस्त को आपका गिफ्ट बहुत पसंद आएगा. थैंक यू मिस्टर नूडल, बाय बाय. नई चीजें सीखकर एल्मो होता है बहुत ही खुश और खुशी में वो करता है डांस. चलो, ये है खुशी वाला डांस डांस, ये है खुशी वाला डांस डांस. जब हम सीखते हैं कुछ नया तब हम करते हैं खुशी वाला डांस डांस. चलो अब तुम्हारा खुशी वाला डांस देखें. बहुत बढ़िया, फिर जल्दी मिलेंगे. सीखते रहो एल्मो का ढेर सारा प्यार. ये है खुशी वाला डांस डांस, ये है खुशी वाला डांस डांस. जब हम सीखते हैं कुछ नया तब हम करते हैं खुशी वाला डांस डांस.